एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीयूटी वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ लक्षिता है, जिन्होंने जेएनयू पॉलिटिकल साइंस से क्वालिफाई करा है। तो आज हम लक्षिता से जानेंगे कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे रखी थी, क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से सोर्सेज थे। सो वेलकम लक्षिता, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एंड आप अपने बारे में बताएं कि आपने अपनी तैयारी कहाँ से की थी, क्या क्या आपका सोर्स था। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो एमपी से ही किया हुआ है, और जयवंती हॉस्कर पीजी कॉलेज जो कि एक छोटा कॉलेज है, और साथ में मैंने उसके साथ में प्रिपरेशन करी थी सीयूटी की, और उसके लिए मैंने आपकी कोचिंग ली थी सीयूटी वर्ड की चैनल की, जिसके थ्रू मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन करी। साथ में आपका गाइडेंस था, रमेश सर, कृष्ण आपका और दीपक सर का, सो दैट प्रॉपर गाइडेंस है ना, मैं कि पॉसिबल कि मैं ये कर सके उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। एंड या दिस वाज माय तो लक्ष्मीदा, जैसा कि आपने बताया कि यू वर नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का नहीं था, सो ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंज फॉर अ नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड। क्योंकि अब देखो, सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर मास्टर्स में किसी सब्जेक्ट में है तो वो पॉलिटिकल साइंस में है, क्योंकि 20-20 हजार स्टूडेंट, 50-50 हजार स्टूडेंट बैठ रहे हैं। और नेट जेआरएफ में तो हमने देखा है कि लाख लाख स्टूडेंट अब जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए जा रहे हैं एग्जाम देने, और उसमें से 100-200 का, और जेएनयू में तो वही 200-250 का होता है। तो एज अ नॉन पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा और क्या क्या पढ़ा आपने, उसके बारे में पहले बताया थोड़ा। एक्चुअली इट वॉज लाइक क्वाइट डिफिकल्ट जर्नी, क्योंकि मेरा केवल ग्रेजुएशन में नहीं, 11th एंड 12th, दिस वॉज ऑल्सो लाइक 10th से मैं कट चुकी थी, लाइक 8 सब्जेक्ट से कोई रिलेशन ही नहीं था, बट ग्रेजुअली आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन दैट, सो आई थॉट आई शुड डू एम ए इन दैट। तो मैंने खुद से करने की कोशिश करी थी, बट आई स्टडीड कुछ बुक्स मैंने खुद से परचेज करी, उसको पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे रमेश सर के वीडियोस देखी थी, तो उससे मेरे को थोड़ा आइडिया मिला कि शायद कुछ ऐसा चैनल अगर मैं ज्वाइन कर लेती हूँ तो थोड़ा हेल्पफुल होगा, और वो डिसीजन आज बहुत ज्यादा मेरे लिए हेल्पफुल रहा। और क्योंकि उसके साथ ऐसा था कि क्लासेस मिल जाती थी, उसके बाद जब मैंने बुक्स पे जंप किया तो इट वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो स्मूथली समझ आने लगा था फिर मेरे को, और एज अ नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था, लेकिन फिर क्लासेस लेने के बाद इट वॉज वेरी इजी फॉर मी। सो जब भी हम डायरेक्ट बुक्स पे जंप करते, जैसे लक्ष्मीकांत, इट इज वेरी हैंडी, सब लोग कहते बहुत ईजी है, बट वेन आई जम्प टू दैट बुक, सो इट वॉज लाइक वेरी लेंदी, और मैंने उसके बाद क्वेश्चन सोल्व किए तो क्वाइट डिफिकल्ट थे, कि इसमें तो एज ऐसे फैक्ट 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 बताया, उसमें तो घुमा फिरा के क्वेश्चन कर रहे हैं, सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लास आई गॉट द आइडिया कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे और क्या पर्टिकुलर पढ़ना है और क्या पर्टिकुलर छोड़ना है। सो आई थिंक बाय दिस क्लास आई गॉट द आइडिया हाउ टू स्टडी एंड वॉट टू लिव एंड वॉट नॉट टू लिव, सो दैट वॉज द थिंग। तो थैंक यू वेरी मच, इट्स अ वेरी जेनरस व्यू ऑफ योर्स। एंड हम तो सबको पढ़ाते हैं, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, और अल्टीमेटली इट्स योर लेबर जो आपको पे करता है। ऑब्वियसली जो गाइडेंस होता है, मेंटरशिप होता है, उसका एक रोल होता है कि दैट विल मेक थिंग्स इजी फॉर यू, बट आफ्टर दैट एवरी लेबर इज योर्स, हर मेहनत आपका है। और जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है, इवन जो नहीं सक्सेसफुल हो पाए, चाहे 1-2 नंबर से छूट गए, सबका सपना अपना रहता है, बट सबने कोशिश करी होगी, तो ये आपका मेहनत है। तो लक्षिता, सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा सा सिलेबस के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं, जैसा कि हमने आपको क्लास में भी समझाया था। एंड क्लासेस के शुरू में ही हम सबसे ज्यादा फोकस यही करते थे कि यू हैव टू यू नो स्टिक टू योर सिलेबस। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से पूछ दिया है, तो यू हैव टू रन फॉर इट, बिकॉज वो आपको कुछ नहीं देने वाला है। तो आप समझाएं कि सिलेबस का इम्पोर्टेंस क्या है। डेफिनेटली सर, सिलेबस काफी इम्पोर्टेंट, काफी क्या, लाइक इफ यू आर गोइंग थ्रू सिलेबस ओनली सो यू विल सिक्योर योर रैंक, बिकॉज अगर कुछ जैसे हमारे इसमें इस टाइम के 2024 के टाइम में लेटिन अमेरिका से रिलेटेड दो दो क्वेश्चन आए थे, मतलब फ्रॉम पर्टिकुलर लैटिन अमेरिका, तो अगर कोई जैसे नेक्स्ट ईयर में कोई बच्चा आता है, सो अगर वो मेरे मेरे जो 2024 वाले जो पेपर देखेगा, सो ही विल से कि शायद ये क्वेश्चन 2 बार आया है एक ही साल में है, तो मे बी इट विल कम,
बट इट इज नॉट इन द सिलेबस. सो डेफिनेटली आई विल नॉट रिकमेंडेड कि गो एंड सर्च वॉट इज ऑल गोइंग इन लैटिन अमेरिका एंड डू स्टडी ऑल अबाउट दैट. सो दैट इज वाई बिफोर गोइंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जस्ट स्टिक टू द सिलेबस फर्स्ट बिकॉज सिलेबस विल गिव यू आइडिया वॉट यू हैव टू चूज फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. क्योंकि हमेशा सिलेबस मॉडिफाई होता है. जैसे अगर अभी तो CUT अभी अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके पहले तो JNU था ना, तो उनका सिलेबस कुछ और था. उसमें लोहिया थे, रमाबाई थी, ये सब था. लेकिन अभी CUT में तो ये सब नहीं है. इंडियन पोलिटिकल थॉट से केवल 5 थिंकर है और इसी से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो. तो एनी हाउ कि अगर सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना अगर सिलेबस में दिया है, जैसे 8 टॉपिक दिए हैं लगभग, अगर आप उतना कर लेते हो तो फिर आई डोंट थिंक कि उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको केवल उतना ही पढ़ना जितना आपके सिलेबस में दिया. अगर आप जा रहे हो, आप सब कुछ पढ़ रहे हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये वो, सो आई डोंट थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज इट वुड बी वेरी लेंथी. दिस इज द थिंग जो हमने आपको क्लास में बताया एंड यू इम्प्लीमेंटेड दैट इन योर प्रिपरेशन, दैट आपको वो चेंज नहीं करना पड़ता टॉपिक. जैसा कि उन्होंने एग्जांपल से बताया कि इस बार लैटिन अमेरिका से क्वेश्चन आया था. अब देखो, बेसिक वर्ल्ड मैप तो मैं बता देता हूँ क्लास में भी कि कौन सा देश कहाँ है और बेसिक क्या, एक डिटेल में मैं आपको मैप वर्क समझा देता हूँ क्लास में, व्हेन इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो उससे आपको एक आइडिया होना चाहिए. लेकिन अब आप खोजने लगो, मैप में लोकेट करने लगो, इट्स नॉट योर डोमेन टू डू समथिंग. इससे ज्यादा मेहनत है कि आप एक बार और जाके फंडामेंटल थ्योरी पढ़ लो, फंडामेंटल राइट पढ़ ले. उससे अच्छा है कि एक बार जाके आप पॉलिटिकल थ्योरी का कोई एक टॉपिक रिवाइज कर लो कि अगर वहां से क्वेश्चन आए तो आपका सिली मिस्टेक ना हो कि आप जॉन लो लॉक के बताए जेस मिल आंसर टिक करके आ जाओ. क्योंकि जो सिलेक्शन हमारा होता है और नहीं होता है, दैट इज अ वेरी थिन बाउंड्री. लाइक आपका 1-2 नंबर से होता है या 1-2 नंबर से नहीं होता है. अगर आपका 10 नंबर से 20 नंबर से नहीं हो रहा है, मतलब कि आपने प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी की है. लेकिन अगर आपका 1-2 नंबर से होता है या 1-2 नंबर से नहीं होता है, मतलब आपने प्रिपरेशन उतनी ही की है, बट आपने स्मार्टली चीजों को छाटा नहीं. सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि क्या नहीं पढ़ना है आपको. अब जैसे अभी हम आपसे जैसे पूछना चाहेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, तो आप वैसे जैसे टॉपिक है 5-6 बड़े बड़े टॉपिक है, पॉलिटिकल थ्योरी, WPT, IPT, कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशन, ये 5 बड़े बड़े टॉपिक है. इसके बाद भी है पब्लिक पॉलिसी है, ग्लोबल जस्टिस है, नेशनलिज्म है, क्लाइमेट चेंज है. तो छोटे छोटे टॉपिक है बट रिलेवेंट है. ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के जाना है. बस इसको क्या है कि इस पे चेंज नहीं करना है. ऐसा नहीं है क्लाइमेट चेंज पे तो हम पूरा जो कॉप का कन्वेंशन है वो पढ़ने बैठ जाए, UN CCC का कन्वेंशन बैठ जाए पढ़ने, बिकॉज दैट इज नॉट अ थिंग दैट CUET will ask. इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछता है. तो आप हमें बताएं लक्षिता कि सबसे पहले जैसे पॉलिटिकल थ्योरी की मैं बात करूं, तो उसके लिए कौन कौन सा सोर्स था, कहां से आपने पढ़ा और कैसे कैसे पढ़ा? दैट वॉज ग्रेट. सो मैंने फॉर पॉलिटिकल थ्योरी पहले तो मैंने आपकी क्लासेस से जो दीपक सर ने पढ़ाया था, सो दैट वॉज वेरी हेल्पफुल. एंड जैसे जो टॉपिक दीपक सर पढ़ा रहे आज क्लास में, तो वही टॉपिक में OP गावा एक बुक है पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, तो बस वही टॉपिक, क्योंकि वो भी काफी इतनी बड़ी बुक है. सो इतनी बुक अगर तुम पढ़ रहे हो और वो भी 2 टाइम, सो आई डोंट थिंक इट वुड बी वर्क. सो जो भी टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में, वो टॉपिक जैसे ही दीपक सर पढ़ाते थे, मैं उसको वो वही टॉपिक उस बुक से मैं कवर कर लेती थी. तो जो भी मेरे को एक्स्ट्रा मिलता था, तो मैं वो अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी. साथ में मैंने एक चीज करी थी कि जैसे ही सिलेबस चल रहा था क्लासेस में, मैंने साथ में 2022 के और 2023 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए थे. तो आई गॉट आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे. जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में है तो थिंकर आ रहे हैं, थॉट आ रहे हैं, या राइटर आ रहे हैं, या उसकी राइटिंग्स आ रही है, या कुछ स्पेशल थॉट दे रहे हैं, बहुत डीप पूछ रहे हैं. सो 2 साल के पेपर CUET के उसने एक आइडिया दे दिया था कि आपको क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है. सो मैंने वो पेपर साथ में करे थे, इसलिए मुझे आइडिया भी था. वो साथ में दीपक सर वगैरह बता रहे थे कि इतना डीप नहीं जाना है, इतना डीप जाना है, इस टॉपिक से इतना ही आएगा. जैसे जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, तो उसके बाहर से क्वेश्चन कभी नहीं आया, इतने सालों से नहीं आया, इस बार भी नहीं आया, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया. तो सर इतना बता भी देते थे और वो जो बुक थी उससे भी काफी रिफरेंस वो मिल जाता था. तो ओनली एक ही बुक पढ़ी थी मैंने साथ में कोचिंग के नोट्स. मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक के लिए 5 बुक पढ़नी है, कि पॉलिटिकल थ्योरी के लिए हम भार्गव भी पढ़ रहे हैं, OP गावा भी पढ़ रहे हैं, फिर 2 और किताब पढ़ ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेवेंट. अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो आप जब मास्टर्स में जाओगे आपको इतना ज्यादा पढ़ने को दे देंगे कि आप पढ़ नहीं पाओगे. सो आपको वो परफॉर्मेंस बाद में देना है, बट अभी एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या है,
कि सोर्स एक रखनी है, बट हाँ रिवीजन उसका मल्टीपल टाइम करना है। आप ओपी गावा ले लो तो कम से कम उसको आपको मतलब अगर आप साल भर में से तैयारी कर रहे हो, अगर मान लो आपने लास्ट के 2-3 महीने में स्टार्ट किया है तो मैं नहीं कहूंगा, पर अगर साल भर से आप तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी का ग्रेजुएशन थर्ड ईयर से कर रहे हो, जेएनयू को टारगेट कर रहे हो, तो एटलीस्ट जो कुछ किताबें हैं जैसे अभी लक्षिता ने बताया ओपी गावा, यू हैव टू रीड इट एटलीस्ट 5 times, एटलीस्ट 5 बार तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि वहां बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, कंसेप्ट मिलेंगे जो आपको दिमाग में डाल लेने हैं। उसी प्रकार से WPT और IPT के बारे में बताया लक्षिता कि आपने वो कहाँ से किया था, और ऑथर्स और बुक कितने रिलेवेंट है, और कौन कौन सा सोर्स है जहाँ से आपको ये मिला, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ओके, सो फॉर थ्योरी पार्ट, लाइक कि अंडरस्टैंडिंग के लिए उनकी मेन आइडियोलॉजी क्या थी, वो किस चीज को सपोर्ट करते थे, एंड हाउ हाउ द सर्कमस्टेंसेस वाज देयर, टाइम पीरियड का जो कॉन्सेप्ट था, सो वो क्लासेस से सब कुछ क्लियर हो जाता है. लेकिन सीयूटी की डिमांड एक फैक्चुअल क्वेश्चंस की होती है, सो राइटर कौन है, उसकी राइटिंग्स क्या है और मेन राइटिंग क्या है. इस बार तो काफी सीली क्वेश्चन था कार्ल मार्क्स से, कि राइटिंग्स दी थी उसको अरेंज करना था, लाइक इन ऑर्डर की पब्लिश किस टाइम पे पब्लिश हुई थी उसको ऑर्डर. तो आई डोंट थिंक, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन काफी 2-3 सालों से पूछ रहे. तो आई थिंक कि तुम मतलब जो भी नेक्स्ट लोग आएंगे तो उन लोगों को इस पे भी फोकस करना चाहिए, कि जो उनकी राइटिंग्स है, जो उनकी बुक्स है, वो किस ईयर में पब्लिश हुई है, वो भी थोड़ी मैटर करती है. तो यहाँ पे जितना मतलब बहुत सारे थिंकर्स दिए हैं वैसे WPT में भी, IPT में भी, लेकिन जितने सिलेबस में दिए, जैसे IPT में 5 5 थिंकर दिए, तो केवल उन पांचों के बारे में, उन पांचों के मेन मेन बुक्स जो है, उनकी मेन मेन आइडियोलॉजी क्या है, उनके मेन मेन उनने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए, जैसे राजा राममोहन रॉय वगैरह, तो उनके लिए. और IPT के लिए मैंने प्रिफर करी थी ओपी गाबा की सेम बुक, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए. और WPT के लिए दीपक सर ने कहा था कि अगर तुम ओपी गाबा करते हो तो बेटर है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर तुम ब्रिया नेल्सन लेते हो तो वो और अच्छी रहेगी. सो मैं अफोर्ड कर सकती थी तो मैंने वो बुक खरीदी थी पर्सनली, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टेड इन दैट. सो मैंने वो पढ़ी थी, काफी स्मूथ है, लाइक अ स्टोरी, यू विल गेट इन दैट और तुमको मजा भी आएगा पढ़ने में. सो आई हैड टाइम, आई प्रीफर दैट, बट इफ यू डोंट हैड टाइम, सो आई थिंक कि ओपी गाबा इज बेटर, क्योंकि फैक्चुअल है, जितना एग्जाम में आएगा उतना दिया होगा. तो जो भी तुम पढ़ रहे हो अपने नोट्स में ऐड करते जाओ, क्योंकि तुम बहुत बार उस बुक्स को नहीं पढ़ सकते. तो जब भी कोई बुक्स पढ़ रहे हो तो बुक्स के जो जो मेन फैक्ट है और जो भी क्लासेस से छूट जाते हैं नोट्स में नहीं है, सो एड इन योर पर्सनल नोट्स, बिकॉज जब भी आप एग्जाम के लिए जाते हो, एग्जाम के 1 महीने पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, एनी हाउ आपको आपके नोट्स पे ही स्टिक होना होता है. तो मैंने जो भी बुक्स पढ़ी थी, हर किसी की जो भी मेन मेन चीजें थी, जो एक्स्ट्रा चीजें थी, अपने नोट्स में खुद ऐड कर ली थी, ताकि मैं उसको मल्टीपल मल्टीपल टाइम पढ़ सकूँ. एंड दैट वॉज द थिंग फॉर IPT एंड WPT फॉर मी. या वेरी लाइक आपने जैसे ब्रायन लेंसन के बारे में बताया, इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक, लेकिन क्या है कि इसको आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हो, कि आपको आपको बहुत ज्यादा मतलब एग्जाम में क्वेश्चन देखना, आप जैसा दीपक सर ने आपको बताया होगा कि आपका ओपी गावा से लगभग काम हो जाएगा, उसमें बुक्स के नाम दे रखे हैं। बट ऑब्वियसली अभी क्या हो रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ फैक्चुअल पढ़ना है, या ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, आपको इन दोनों में कोहेरेंस, एक हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बनाना होगा, तो तब जाके थोड़ा बात बनती है कि हाँ मतलब हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ फैक्ट के भरोसे बैठे हैं या सिर्फ कंसेप्ट के भरोसे बैठे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ट्रेंड कब बदलेगा, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जाएगा। तो ये तो हो गई पॉलिटिकल थ्योरी WPT IPT की बात। अब थोड़ा आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं और IR के बारे में बताएं। ओके, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन यू एक्सप्लेन वेरी वेल. और जो भी आपने टॉपिक पहले ही बताए थे कि पूरी लक्ष्मीकांत बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हैं, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, DPSP पे वगैरह, जितना टाइम तुम उस पूरी बल्कि बुक्स को बुक को पढ़ने में लगाओगे, बेटर है कि तुम इसी जितने टॉपिक उसमें दिए हैं उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ लो. सो उससे पहले आपकी क्लासेस से एक्सप्लेन तो हो ही गया था, मतलब समझ तो आ ही गया था साथ में, लेकिन काफी फैक्चुअल चीजें भी होती है उसमें, तो अंडरस्टैंड तो आप कर लेते हो लेकिन फैक्ट तो याद करना ही पड़ेगा, उसके लिए मल्टीपल रिवीजन इज नीडेड. सो आपके साथ आपकी क्लासेस ली और साथ साथ में जो भी टॉपिक होते जा रहे थे वैसे मैंने लक्ष्मीकांत से वही वही टॉपिक पढ़े थे, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें थी ऐड करने लायक थी और मुझे लग रहा था कि आ सकता है, तो वो मैंने नोट्स में ऐड कर ली थी, क्योंकि इतनी मोटी बुक आप डबल पढ़ ही नहीं सकते. सो शायद 2 टाइम रीडिंग हुई थी मेरी इसकी बस,
और वही टॉपिक जो सिलेबस में दिए हुए हैं. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो लक्ष्मीकांत, एंड फॉर आईआर फॉर लिबरलिज्म और रियलिज्म के लिए मैंने जो ब्रियान नेल्सन की जो बुक है, बाइलिस एंड स्मिथ की, सॉरी, तो उसकी जो बुक है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो उसके केवल दो टॉपिक जो आपने सजेस्ट किए थे, तो मैंने बुक खरीदने की बजाय आई जस्ट वो पीडीएफ जो आपने सेंड करी थी उससे मैंने वो दो टॉपिक कवर कर लिए थे. साथ में फिर जो आपने नोट्स सेंड किए थे, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर जो भी ट्रीटीज वगैरह है, तो उसके लिए मैं केवल वो जो नोट्स आपने जो पीडीएफ सेंड कर रखी थी उसमें पढ़े थे. और आपने कहा था कुछ आर्टिकल्स या कुछ करेंट वगैरह चल रहा होगा, सो वो पढ़ लेना कि कौन सा स्टेब्लिश, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब स्टेब्लिश हुआ था और रीजन क्या था. सो दैट वॉज ओके फॉर दैट, फॉर आई आर ओनली दिस, एंड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत इज ओके बट विद स्पेसिफिक टॉपिक. सो दैट वॉज वेरी वेल एक्सप्लेन कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि कुछ टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और पार्लियामेंट हो गया, कि यहाँ से आपको चंक ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में इतने फैक्ट्स है कि फैक्ट्स पूछने पे आ जाए तो इवन मैं फैक्ट्स, एक एक फैक्ट्स नहीं बता पाऊंगा, अभी भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि फैक्ट्स ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में बैठ जाता है। पर हाँ, बिना कंसेप्ट के फैक्ट को आप पढ़ने जाओगे वो ज्यादा हार्ड हो जाएगा। अगर आप बिना पार्लियामेंट्री कन्वेंशन समझे, पार्लियामेंट कैसे चलता है, क्या क्या टर्म्स उसमें यूजफुल है, वो बिना समझे अगर आप पढ़ने जाओगे तो इट विल बी हिल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। वैसे आईआर का है, बेलिस एंड स्मिथ, अगर आप पढ़ने जाओगे फर्स्ट गो में तो इट इज अ वेरी टफ टेक्स्ट, आपको पढ़ोगे तो समझ में कम आएगा। बट वंस यू हैव गॉट द कंसेप्ट, आपने लिबरलिज्म समझ लिया, आपने रियलिज्म समझ लिया, साइंटिफिक रियलिज्म समझ लिया, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। सो लक्षिता, ये तो बात रही आपके पढ़ाई से रिलेटेड और स्ट्रेटजी से रिलेटेड। अगर आप कुछ बताना चाहें जेएनयू के बारे में कि व्हाई यू हैव थॉट ऑफ कमिंग जेएनयू, और जेएनयू क्यों स्टार्ट करा इसके लिए तैयारी, तो थोड़ा जो हमारे स्टूडेंट है उनका पर्सपेक्टिव क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल रहते हैं दिमाग में, जहन में, जेएनयू को लेके। एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ साथ बहुत फेमस यूनिवर्सिटी भी है, अलग अलग कारणों की वजह से भी फेमस है, बट एक बड़ी यूनिवर्सिटी होने का एक हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और खास करके सोशल साइंस के फील्ड में माने तो इससे ऊपर कोई नहीं है। तो क्या वजह था जेएनयू आने का, आप थोड़ा वो बताएं। सो फॉर जेएनयू, लाइक आफ्टर 12th आई नेवर लिसन अबाउट जेएनयू, मतलब मैं उतनी अवेयर नहीं थी तो मुझे जेएनयू के बारे में कुछ नहीं पता था. बट वाइल आई वॉज इन ग्रेजुएशन, सो ऐसा शायद ही कोई ईयर रहा होगा जब मैंने जेएनयू के बारे में नहीं सुना होगा. सो आई गॉट टू नो अबाउट जेएनयू, हाउ इट इज, या इट इज क्वाइट फेमस एंड इनफेमस टू, कि इनफेमस भी है बट आई थिंक मोर इफ यू सी, सो इट इज अबाउट सम अगर पॉलिटिकल साइंस में अगर आप पढ़ रहे हो, सो मैंने कुछ लोगों से सुना था कि इट इज लाइक अ हेवन. अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ के प्रोफेसर वगैरह, यहाँ के जो माहौल है, इट विल गिव यू ऑल द थिंग्स व्हाट यू डिजर्व, व्हाट अ गुड स्टूडेंट डिजर्व. सो दैट वॉज द थिंग विच मेक मी लाइक विच इंस्पायर मी टू गेट इन एडमिशन इन जे एन यू. एंड वन मोर थिंग, लाइक मैंने पुरुषोत्तम अग्रवाल सर का इंटरव्यू देखा था, इट वॉज ऑसम. सो दिस वन मोर थिंग, लाइक मेनी इंटरव्यूज आई हैव बीन वॉच्ड एंड फ्रॉम देयर आई गॉट द आइडिया कि अगर आपको ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में कुछ बेटर करना है या कुछ बेस्ट लेना है, सो आई थिंक द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज जे एन यू. सो यू कैन गो देयर एंड गेट दिस. सो दैट वॉज द वन थिंग, एंड फॉर या दैट वॉज द थिंग वाई आई चूज द जे एन यू. ऑब्वियसली हम जब तैयारी कर रहे थे तो हम भी यही देखा करते थे। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि फ्रॉम हेयर यू विल गेट एम्पल आइडिया अबाउट योर करियर, आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, इधर वेदर इट इज गोइंग टू बी एकेडमिक्स, और आपको अगर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करना है तो इट्स लाइक बेस्ट प्लेटफॉर्म। अनदर थिंग इज दैट इट इज वेरी इकोनॉमिकल टू, सो पीपल कमिंग फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड और इकोनॉमिकली नॉट वेरी साउंड बैकग्राउंड, तो वैसे स्टूडेंट जो है उनके लिए जेएनयू इज लाइक ऑब्वियसली इट्स अ हेवन, बिकॉज यहाँ पे अभी भी बहुत सस्ते में हॉस्टल मिलता है, देर इज नो फीस, लिटरली लाइक देर इज ओनली योर टोकन फीस जो 10-15 रुपए का देना पड़ता है, सो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होता है। ऊपर से जो महिलाएं हैं उनके लिए एक अलग से प्रिविलेज पॉइंट मिलता है यहाँ पे,
और जो लोग बैकवर्ड इलाके से आते हैं उनको अलग से कुछ पॉइंट मिलता है। तो इससे यहाँ का रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत ही लाइक व्हेन यू विल कम हेयर, एंड जैसा अगर मान लो कि आप डीयू वगैरह से हो या अपने स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, और जब आप जेएनयू में आओगे यू विल सी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट हेयर। क्योंकि यहाँ पे आपको ना ऐसा लगेगा नहीं कि एक कॉलेज जो इतना बड़ा है, जो नंबर वन है, और जब आप वहाँ पे आओगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा लग्जोरियस हो या कोई जैसे अब जैसा मैं सुनता हूँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है, जो रिच यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे आप जब जाते हो गाँव से तो वेरी यू यू विल फील वेरी एलिनिएटेड, यू विल फील कि नो आई डू नॉट बिलोंग टू दिस यू नो यूनिवर्सिटी और प्लेस। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को डालने में तकलीफ होती है, पर जेएनयू में आपको इसका उल्टा महसूस होगा। यू विल फील कि मैं जहां से आया था मैं वहीं पे आ गया हूँ फिर से, एंड यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ हु यू आर, यू विल वेरी प्राउड ऑफ फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। सो दिस थिंग इज वेरी यूनिक टू जेएनयू, एंड अगेन लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आई होप कि आप अपने आगे के एग्जाम्स में इसी प्रकार सक्सीड करें, आने वाले समय में आप नेट जेआरएफ क्रैक करें, पीएचडी में एडमिशन पाएं, या आपको जो भी करियर आगे अपनाना है उसमें आप सक्सीड हो। सो थैंक्स लतिता, थैंक्स फॉर दिस इंटरव्यू, एंड जो भी स्टूडेंट्स सर, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड हियर, लाइक दोज हु आर प्रिपेयरिंग, सो मतलब जो स्ट्रेटेजी, सिलेबस या बुक्स वगैरह जो पढ़ रहे हैं, साथ में मैं कोशिश करूंगी ये बताना कि जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल था इन सब के साथ, वो था एक मैंने गाइड खरीदी थी अरिहंत की, 20 20 ईयर्स सॉल्व पेपर थे वो, 2012 से 2022 तक नेट जीआरएफ के, तो वो सॉल्व पेपर थे, तो उसमें पहले क्वेश्चन दिया था आंसर, देन साथ में समरी दी हुई थी, सो आई डिड रिविजन इट ट्वाइस, आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस, एंड जो भी उसमें एक्स्ट्रा था वो मैंने ऐड कर लिया था अपने नोट्स में। तो ये इसलिए हेल्पफुल होता है क्योंकि कभी कभी तो एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, इट इज वेरी सिली टू से, बट एक क्वेश्चन है बाउंडेड रेशनलिटी का, वो आई थिंक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट मेंशन इन द सिलेबस, सो मैंने नहीं किया था, और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे नहीं पता, जेन्यूनली नहीं पता कि ये क्या होता है, बट दिस क्वेश्चन आई सॉल्व इन नेट जीआरएफ मल्टीपल टाइम्स, एंड दैट सेम क्वेश्चन हैज कम इन माई एग्जाम लाइक 2024 एग्जाम, सो काफी क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे, और नहीं भी मिलेंगे तो जो नीचे समरी होती है जो उसमें दी है, तो उससे काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सो यू विल गेट आइडिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, साथ में वो एज इट इज क्वेश्चन भी आते हैं, सो दैट वुड मेक वेरी बिग डिफरेंस इन योर क्वेश्चन सॉल्विंग। देखो, दिस इज ऑल्सो अ रीजन वाई यू आर हेयर एंड वाई यू हैव क्रैक दिस एग्जाम, बिकॉज यू आर वेरी सिंसियर अबाउट द थिंग्स। जैसा कि आपने बताया कि यू हैव सॉल्व एमसीक्यू ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नेट जेआरएफ के पूछे गए हैं, और हमने भी शायद क्लास में 10-15 बार तो ये बात कही होगी, एटलीस्ट इतनी बार तो कही होगी कि आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, बिकॉज एनटीए के पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एंड किसी भी एग्जाम के पास, इवन यूपीएससी देखो इस बार 2024 का जो प्रीलिम्स दिए होंगे उनको पता होगा, तो पेपर वाज नॉट वेरी टफ, एंड आल्सो जो एक ट्रेंड चला आ रहा था, तो कोई भी पेपर जो है ना सोशल साइंस के डोमेन में या किसी भी डोमेन में देयर इज अ लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन, एंड इन एवरी एग्जाम वेदर इट इज यूपीएससी, वेदर इट इज नेट जेआरएफ, वेदर इट इज सीयूईटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज लाइक अ रोड दैट विल शो यू कि वेयर दिस रोड इज गोइंग। सो यू विल गेट द डायरेक्शन, यू विल गेट द क्वेश्चंस, और मेनी ऑफन हम देखते हैं कि सीधा सीधा क्वेश्चन ऑप्शन के साथ रिपीट कर देता है, और एनटीए तो ऑप्शन के साथ और क्वेश्चन नंबर के साथ रिपीट कर देता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करके जा रहे हो तो यू आर बिहाइंड दो स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जा रहे हैं, एंड श्योरली दे आर गोइंग टू मेक इट। तो जैसा कि लक्षिता ने लास्ट में ऐड किया, मेरे भी ये जहन से बात उतर गई थी, अदरवाइज मैं अपने हर इंटरव्यू में ये मेंशन जरूर करता हूँ कि नेट जेआरएफ का पेपर देना बहुत जरूरी है, बिना इसको दिए आप घाटे में जा रहे हो, मे बी यू विल लाइक आपका निकल जाएगा, बट अगर आप करोगे तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसी के साथ अब इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं, और इसके साथ एक और बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो कोर्स है जिसमें लक्षिता जैसे इनरोल थी, वैसा ही कोर्स हमारा ये अगस्त के फर्स्ट वीक में आने वाला है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट कि आपको जैसे लक्षिता को पता होगा कि
कि एक कोर्स आप लेते हो तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन मिल जाता है। जैसे हम लोग 3-4 कोर्स लेके आएंगे तो उसमें आपको बार 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 रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो एक ही चीज को जब आप 3 बार 4 बार पढ़ोगे, अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो बस आपको 1 घंटे का लेक्चर देखना है। और जैसा कि बताया लक्षिता ने कि आप जब लेक्चर देखने के बाद जाके उसी टॉपिक को बुक से पढ़ोगे तो यू विल गेट दैट नॉलेज, और बहुत इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सो आपको बस ये करना होता है कि आपको डिसिप्लिन रहना होता है। द ओनली थिंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इन माई स्टूडेंट्स हु सक्सीडेड इज दैट दे वर डिसिप्लिन, अदरवाइज वो बहुत सारे डाइवर्स बैकग्राउंड से आए। जैसे लक्षिता नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड की है, सी इज अ प्राइम प्राइम एग्जाम्पल। इससे पहले जो हमने इंटरव्यू अभी किया है, वो जो स्टूडेंट है वो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का है। बस दोनों में कॉमन यही है कि दे बोथ वर डिसिप्लिन। सो अगर आप डिसिप्लिन रहोगे और वीडियो देखोगे, टेस्ट दोगे, श्योरली यू आर गोइंग टू यू नो सक्सीड इन दिस एग्जाम। सो थैंक्स लक्षिता, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड वी आर एंडिंग हियर। थैंक यू वेरी मच सर।